So Sharks, क्या आपने कभी हाइकिंग या कैंपिंग की है? Yes, ma'am. Yes. तो चलिए इमेजिन करते एक सिनेरियो जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक अच्छे से स्पॉट पर कैंप कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से आपको एक खतरनाक जंगली जानवर का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम लोगों के पास सिर्फ एक स्टिक होती है, आपको क्या लगता है कि ये आपकी सुरक्षा कर पाएगी? अनफॉर्चुनेटली शार्क्स, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, हम जैसे एडवेंचर एंथुसियास्ट की एक रियलिटी है। जब हम कैंप करते हैं या हाइक करते हैं तो हम चारों तरफ से घिरे होते हैं जंगल से और जंगली जानवरों से। पांच यहीं बैठे। गुड वन। तो हमारी और आपकी सेफ्टी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट स्टिक गार्डियन। हेलो शार्क्स, मेरा नाम अभय शर्मा है। और मेरा नाम स्मृतिका शर्मा है। हम क्यारी इनोवेशंस के फाउंडर्स हैं और हम बनाते हैं एडवेंचर सेफ्टी गैजेट। ये प्रोडक्ट लगभग 2000 फॉरेस्ट गार्ड्स अभी यूज कर रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि इसने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। और ये प्रोडक्ट प्राउडली डिजाइंड एंड मेड इन इंडिया है। बहुत अच्छा। इसकी असली पोटेंशियल का हमें तब पता चला जब ना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बल्कि एडवेंचर एंथुसियास्ट ने हमें अप्रोच करना शुरू किया। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि ग्लोबली जितने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर हैं या एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं वो सब हमारा प्रोडक्ट यूज करें और सेफ फील करें। तो हम आज अपने प्रोडक्ट को और हमारे ब्रांड को ग्लोबल ले जाने के लिए रेज करने आए हैं 51 लाख फॉर 1% इक्विटी। वाओ वाओ। अब है स्मृतिका, स्मृतिका आपका शार्क टैंक वाइल्ड वर्जन पे बहुत बहुत स्वागत है। आप एक दूसरे को मतलब कैसे जानते हो? हम सिब्लिंग्स हैं। आप सिब्लिंग्स हैं? भाई बहन? यस। भाई बहन मिलके काम करे तो बड़ी ताकत होती है। Yes. Well done, guys. तो ये एडवेंचर का पैशन आपको कैसे आया? तो हमारी फैमिली में सब एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं। हमारा डिनर टेबल कन्वर्सेशन इनिशियली नाटजू रहता था, यार ये टाइगर है, ये लेपर्ड है, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो जब हमारे इनकाउंटर भी हुए टाइगर से, तो जैसे मैंने टाइगर, जैसे आप शार्क्स है तो मैंने टाइगर इतनी पास से देखा और मैं पैदल था, मैं अकेला था सामने, ऑल ऑफ सडन बॉर्डर के पीछे से टाइगर आया एंड मैं फ्रीज हो गया। वो टाइगर ने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा और वो फिर वो वहाँ से भाग गया। तो पीछे से लोग आके आगे भी चले गए और मैं वहाँ से हिल नहीं पाया। तो मेरे को पता है कि जब कोई एनिमल सामने आता है तो आप फ्रीज हो जाते हो, आप आवाज़ भी नहीं निकाल पाते। शेर सुनने में मज़ा आता है ना, शेर देखने में मजा आता है। अच्छा, ये शेर है। बट जब शेर सामने आता है तो पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये थोड़ा सा फनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है। चलो डेमो देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं फिर। डेमो देख लेते हैं। थैंक यू। इसमें लाइट्स हैं। तो ये लाइट्स मल्टीपल मोड हैं। इसमें डाउन लाइटर भी है। तो अगर आप रात को कैंपिंग कर रहे हो, आपको नीचे देखना होता है, तो आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और दूसरी बात, अगर जानवर एकदम से सामने आ गया तो आपको शोर मचाना होता है, बट वो शोर कभी कभी मचा नहीं पाते, तो उसमें अलार्म सिस्टम है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जानवर भाग जाए। हाँ जी। बट भालू वगैरह ऐसा होता है ना, वो अटैक करता है। हाँ। तो उसमें आप उसको शॉक दे सकते हो। ओह माय गॉड, वाओ। ये मिसयूज नहीं कर सकता है कोई अपने हस्बैंड या किसी? अरे ये क्या है, ये मतलब हस्बैंड बीटर लग रही है ये? अरे भाई घर की बात घर में रखा करो यार, यहाँ कहाँ बता रही हो पब्लिक टेलीविजन पे। नाइस। इससे जानवर को इंजरी नहीं होगी बट वो भाग जाएगा और आपकी जान बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कितने वोल्ट का शॉक है सर? ये 10,000 वोल्ट का है। एम्पेरेज इसकी 1 mA है। और इसमें लेट्स सपोज आप जंगल में जा रहे हो, आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो इसमें आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो, एज अ पावर बैंक की तरह भी काम करता है। बहुत अच्छा। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, जब आप कैंप कर रहे होते हो तो आपको स्टिक खड़ी करने की जब दिक्कत होती है तो उसके लिए हमने एक स्टैंड बनाया है और वो स्टैंड एक्स और शॉवल में भी कन्वर्ट हो जाता है।
और जो कि आपका इस पाउच में आ जाता है। नाइस। और जब आप स्टिक को लेके वापस अपने घर आते हो तो इसमें हम वॉल माउंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप स्टिक को इसको वॉल पे अटैच कर सकते हो आराम से। इतनी डीप डिजाइन थिंकिंग किसकी है आप दोनों में से? मतलब काफी सोच समझ के बनाया गया, टांगी कैसे जाएगी? तो मैं डिजाइनर, मैं डिजाइनर हूँ सर। मजा आ गया सुन के। सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से। Exactly. Yes. और ये आपके खुद के एक्सपीरियंस से बना इसलिए इतनी गहराई। Exactly. सोच में एक स्टेप पीछे लेते हैं। इतना हाइकिंग और कैंपिंग के बारे में इंडिया के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, तो दिलचस्प होगा उसके बारे में सुनना भी। इंडिया में अभी अवेयरनेस बिल्ड हो रही है, इट्स अ ग्रोइंग मार्केट इन इंडिया। तो रफली 1000 CR का मार्केट है ये। ग्लोबल मार्केट जो है वो $13.5 billion मार्केट है ओनली फॉर कैंपिंग। सबसे बड़ा प्लेयर कौन है इंडिया में? एक्चुअली इंडियन ब्रांड कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी कितना बड़ा बिजनेस है और आगे क्या पाथ है, क्या विजन क्या है, कितना बड़ा हो जाएगा? स्टार्ट हमने 8 लाख से किया था, नेक्स्ट ईयर हमने 30 लाख किया, उसके बाद 1.2 CR किया है हमने, उसके बाद 1.4 CR किया है, एंड इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी 75 लाख सेल्स हो चुकी है। और लास्ट मंथ 10 लाख सेल्स भी। इस साल इस महीने 17। एक का क्या प्राइस है? तो ये स्टार्ट हो जाता है 10,000 से एंड 17,500 तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन। ओह वाओ, ये प्रीमियम प्रोडक्ट मानूंगा मैं इंडिया के हिसाब से। बहुत ही ज्यादा, बहुत प्रीमियम। हमारा प्रोडक्ट बनता है 2,000 से 3,500 का। हाँ जी। हम बेचते हैं 10,000 से 17,500। दिस इज MRP इंक्लूडिंग शिपिंग, रिटेलर मार्जिन। ठीक है। हमारी मैक्सिमम सेल डीलर्स के थ्रू हुई थी जिसमें हमने 30% मार्जिन उनको दिया हुआ था। बिल्कुल ठीक। तो ये मार्जिन देने के बाद हमारा 65% है और प्रॉफिट्स 30% रहे हैं हमारे पिछले 3 साल से, डिस्पाइट R&D पे हैवीली इन्वेस्ट करने के बाद और सैलरीज भी ड्रॉ करने के बाद। तो ये 17 लाख में से कितना बचेगा घर में? 30% हमारा कंसिस्टेंट रहा है। तो 1.7 × 3 हो गया, 3.44, 5.1। ठीक है। यस यस। ये आप मैन्युफैक्चर कहाँ करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, कौन कर रहा है? हमारी इनहाउस फैसिलिटी है, पूरी प्रोसेस ओरिएंटेड है, वी आर फॉलोइंग लीन मैन्युफैक्चरिंग, एंड इवन इफ वी चेंज, हमारे बंदे अगर चेंज हो गए तो वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो मैं अपनी क्वालिटीज फिर भी अचीव कर पा रहा हूं। किसने पैसा लगाया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में? खुद ही हमने लगाया, वो हमने पैसे रीइन्वेस्ट करे जो भी हमारी सेविंग्स। नहीं, बहुत अच्छा। इंडिया में सारा काम खुद ही करना पड़ता है एंड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन के बिना क्वालिटी आज की तारीख में नहीं डिलीवर हो पाती अनलेस यू स्केल अ लॉट। बिल्कुल राइट। अच्छा, वी हैव एन ऑफर फॉर यू। मैं और अमित आना चाहेंगे और मैं आपको बताती हूँ, हम दोनों का एक नेशनलिस्टिक पैशन है इसके लिए, बिकॉज टूरिज्म एंड वेलनेस, यू नो, नेचर से होता है ये मार्केट, हम शेप कर सकते हैं। तो इसमें एक एक्साइटमेंट है क्योंकि यू कैन बिल्ड समथिंग एक्साइटिंग। तो यूजुअली वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन प्रायर ईयर सेल्स। So if I go with 1.4 crores times 3, that comes to a 5 crore valuation. चलो हमारे पास एक offer है। One second, can I finish? So what we would like to give you is 51 lakh for 10% stake, जो आपको value करेगा 5 crore, which is 3 times your last year sale. देखो मैं आपको बताता हूँ, आपसे मिलके एक vibe आ रही है, good feeling वाली ना? वो तो numbers देख के आ ही जाती है। आप R&D में इन्वेस्ट करते हैं, इनोवेटिव हैं, लॉन्ग टर्म थिंकर हैं, तो आई हैव टू बी विद यू इन दिस बिजनेस। तुम वी से आए कैसे पहुंचे? आपको मौका दूंगा आपके रीजन देने का। अच्छा अच्छा। और मैं, अनुपम और अमन, हम तीनों मिलके आपको ऑफर देंगे। मैं पता है क्यों करना चाहता हूँ? अच्छा, देखो क्योंकि इनको शेयर बोलना है। शेयर बोलना है। उसको वही स्टिक ले जाके, सो ही इज नॉट स्केयर्ड, शेयर के सामने वही शेयर बोलना। ये लोग है ना, टाइम पास कर रहे हैं। ऑफर दे दो प्लीज, ऑफर दे दो, ऑफर दे दो प्लीज। नहीं, पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखो एक तो विजन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप यंग एंटरप्रेन्योर्स, हम सपोर्ट करना चाहते हैं। सुनो सर, पीछे हो फिर आप इंडिया में बना, मेक इन इंडिया में अच्छा लगता है। फिर आप वुमेन, वुमेन एंटरप्रेन्योर का कॉज है। तो यहाँ ना कॉज वॉज बहुत सारे हम लोग दे देते हैं, बट यू गाइज आर अ गुड टीम एंड वी सपोर्ट
गुड टीम्स। अच्छा ड्रामेबाजी हो गई तो ऑफर दे दो। तो चलिए ऑफर हम वैसे लाए थे 51 लाख फॉर 15%। We will do it for 12%. अरे हमने 10% का दिया है, better valuation. कोई बात नहीं, हम 12% में कर दो। What we bring to table is more important, right? Yeah. Right. One pharmaceutical company and one car selling company. तो क्या है चश्मे से क्या बड़ी बात कर ली? R&D. अच्छी तरह से भालू दिखेगा आपको. Manufacturing, R&D, technology. आपने product बहुत अच्छा बना लिया. अब इसको online बेचना है. टेक्नोलॉजी चाहिए होगी अपने को काफी, वो तो ये पीयूष दे देगा, और मार्केटिंग चाहिए होगी, वो मैं दे दूंगा। ये दोनों मेरे पर्सनल एक्सपर्टीज एरिया है। कार देखो चलाया है, हम भी बना लेंगे। आई पर्सनली थिंक कि मैं आपका काफी हेल्प भी कर पाऊंगा इसको बड़ा बनाने। अरे टेक्नोलॉजी इनके पास भी है, एक सिर्फ अकेले नहीं है टेक्नोलॉजी वाले। देखिए दो ऑफर है आपके पास, एक है 51 लाख फॉर 10% और दूसरा है अमन मेरी तरफ से और पीयूष की तरफ से 51 लाख फॉर 12%। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इस वैल्यूएशन पे रियली सॉरी, मतलब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप क्या ऑफर देना चाहते हैं? आप काउंटर है, काउंटर क्या आपका? बेटर ट्राई देन कर। सो आई मीन व्हाट बेस्ट वी कैन डू इज एट मैक्स 2%। नो व्हाट, वेरी हाई वैल्यूएशन। ए पीयूष नाउ हम काउंटर कर रहे हैं, काउंटर ऑफर दे रहे हैं। हां सर प्लीज। तो हम लोग ने अभी तक मांगा था आपसे 10% आपकी कंपनी। मैंने देखा आप लोग अपने प्रोडक्ट में बिलीव कर रहे हैं और काफी ज्यादा आप में जोश है कि हम लोग कुछ बड़ा बनाने वाले हैं, तो हम थोड़ी कम इक्विटी में भी काम चला लेते। 51 लाख फॉर 8%। But that is a very generous offer. Final non-negotiable offer. I am okay, अनुपम, अगर हम 10% ले लें। लेकिन अमन इज आउट फॉर दैट। आप नहीं करना चाहते? नहीं। तो two of us for 8. Two of them for 10. Please decide. Unfortunately, ये बहुत ही हम devaluate कर रहे हैं कंपनी को, और we know कि हम क्या बन सकते हैं. We cannot go more than 2%. More than 2%. Very good decision. We wish you the best. All the best. मैं आपको एक और counter देता हूँ. 51 lakh for 5%. Oh. And others join or not, but this is my final counter. Hit the patta counter. Can you do at 3.5? No, I cannot. Ha ya na, otherwise na, it's okay. Because so please, I'll not, I mean, make... It would be great if you can do for... No, I cannot. Yaar, aapko samajhna, I'll lose money. Take it! 1 crore रुपया देते हैं 10%। आपकी डाइल्यूशन थोड़ा कम, तो 75 लाख ले लीजिए, हम लोग स्प्लिट कर देंगे 7.5% और 80 लाख 8%। 51 लाख 6%। नमित बोलिए क्या? डन। 51 लाख 6%। नाउ देयर आर टू ऑफर्स, 80 लाख 8%, पीयूष एंड अनुपम। देयर इज 51 लाख 6%। हमने आपको वैल्यूएशन ज्यादा दिए भाई? नहीं, आई थिंक लेट्स क्लोज दिस, योर कॉल। अनुपम आई यू इन? 25 लाख यूज करना है। 2.5% ले लो, 6% ले लो, उससे नीचे। We both have the same offer, 51 लाख 6%। इनका भी 51 लाख से 6%। अभी क्या करना है आपको बताइए? Can we do at 60 lakh 6%? It's okay, it's very clear they want. Let them go with who they are happy with. There is a point beyond which over-optimization होता है. Over-optimization और कोई पसंद नहीं करता business. Yeah, we have a... We'll take it. All right. We have a decision. Good decision. Good decision. Good decision.
Good job, guys. Thank you so much, sir. Pleasure meeting you, sir. Good deal.